Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum everyone. I hope everyone of you is doing well. Well, this is part 2 of lecture number 5 of science video series for the preparation of PST and JEST test. Aur aaj ke is lecture mein hum log padhne wale hain class 6 science ka chapter number 5 jiska naam hai Atoms, Molecules, Mixtures and Compounds. Is video ke outline kuch is tarah se hain. Part 2 mein hum log padhenge physical methods for separating mixture, solvent, solute, solution, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, जबकि पार्ट वन में हम इन सारे टॉपिक्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं. अगर आपको पार्ट वन के किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो पार्ट वन का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं. अब क्योंकि पार्ट टू में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हम सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे. ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं ये है अर्थ एटमोसफेयर, जिसमें सबसे ऊपर ये जो खाली जगह है इसको हम कहते हैं स्पेस. स्पेस के बाद आती है ये एक लेयर जो कि बनी हुई है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स से, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स पाए जाते हैं यानी कि O3, और इस लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर. उसके बाद है हमारा एटमॉस्फेयर जिसमें हमारी एयर, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स, तमाम की तमाम मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनाती हैं. अब स्पेस को और एटमॉस्फेयर को अलग करके रखे हुए ओजोन लेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं वो इससे बाहर नहीं जा सकती ओजोन लेयर से, वो उसके अंदर ही रहेंगी. अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. जब सूरज की रोशनी जमीन की तरफ आती है तो वहां पर ओजोन लेयर एक काम करती है, और वो काम ये है कि सूरज की रोशनी में से जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं उनको अपने पास रोक लेती है और बाकी जो रोशनी है उसको जमीन की तरफ भेज देती है. अब वो जमीन की रोशनी जब आके हमारी लैंड पे टकराती है सॉयल पे तो वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में. वो हीट हमारी लैंड, हमारी सॉयल, हमारी दूसरी चीजें एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर कुछ लाइट, जबकि कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चले जाती है. अब वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही होती है, जैसे कि एब्जॉर्ब हुई हुई हीट एनर्जी और अल्ट्रावायलेट रेज जब वो वापस जा रही होती हैं, तो हमारी कुछ गैसेस मौजूद होती हैं ओजोन लेयर के अंदर अंदर, यानी कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस मौजूद होती हैं जो कि उस जो टकरा के वापस जाने वाली हीट एनर्जी है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वापस जमीन की तरफ भेज देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा एटमॉस्फेयर वार्म रहता है. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अच्छी चीज होती है, यानी कि अगर वो गैसेस अगर इन हीट एनर्जी जो कि टकरा के वापस जा रही होती है स्पेस में, अगर उसको ना रोकें तो हमारी जो एटमॉस्फेयर, हमारी जो जमीन है वो इतनी ठंडी हो जाए कि हम वहां पे रह ना सकें. तो इस एटमॉस्फेयर को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए वो जो गैसेस होती हैं जो कि एब्जर्ब करती हैं इस हीट एनर्जी को, उन गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. और ग्रीन हाउस गैसेस का हीट एनर्जी को एब्जर्ब करना और एटमॉस्फेयर को गर्म रखना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. वो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हैं मीथेन, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स एटसेट्रा. अब ये तो था ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि एक अच्छी चीज है. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो इतनी ठंड हो जाए हमारे एटमॉस्फेयर में कि हमारा यहां पर रहना मुश्किल हो जाए. मसला कहां पर है? मसला है ग्लोबल वार्मिंग. वो कुछ इस तरह से कि जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है और स्पेस में जाने से रोकती है. अब हमारी जो मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, हमारी गाड़ियां हैं, वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनाती हैं डेली बेसिस पे स्मोक की शक्ल में, और वो जो स्मोक है वो जाके इस ओजोन लेयर के नीचे जमा होना शुरू हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी एक पूरी लेयर सी बन गई है. अब मसला यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर तो थोड़ी है तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अच्छी चीज है कि जितनी वार्म इस एटमॉस्फेयर को रखना चाहिए उतना एटमॉस्फेयर वार्म गर्म है. लेकिन अगर हम ये करें कि बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी लेयर अगर हम वहां पर बना दें इस ओजोन लेयर के नीचे, तो क्या होगा कि जो हीट एनर्जी टकरा के वापस जा रही होगी वो तमाम की तमाम हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और वापस जमीन की तरफ भेज देगा, स्पेस में जाने नहीं देगा.
अब उससे मसला ये होगा कि हमारी जमीन इतनी ज्यादा वार्म हो जाएगी, इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि हम यहाँ पे रह नहीं सकेंगे। पौधे, इंसान, पानी, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को खत्म करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है दरख्त लगाना, क्योंकि हमारे दरख्त जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और ऑक्सीजन को बाहर देते हैं, और ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, हम इंसान जो है वो इनहेल करते हैं। इसलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई बुरी चीज नहीं है, वो वार्म रखने के लिए जरूरी है, लेकिन मसला तब है अगर हम अपने दरख्त काट दें। दरख्त काटने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी अपने अंदर इनहेल नहीं करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी भी है वो सारी जाकर यहां पर जमा होना शुरू हो जाएगी, और अगर यहां पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो बड़ी जमा हो गई तो जो हीट एनर्जी जमीन से टकरा के वापस जाती है स्पेस में, वो स्पेस में नहीं जाएगी, इसी एटमॉस्फेयर के अंदर रहेगी, और वो हमारे एटमॉस्फेयर को इतना गर्म कर देगी कि हम यहां पे रह नहीं सकेंगे। इस पूरे एटमॉस्फेयर के गर्म करने को अमल को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि अच्छी चीज नहीं है और इससे बचना चाहिए दरख्त लगाकर। अब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैंने यहां पर लिखा है, जो कि मैंने पहले बता दिए सारे। वीडियो को यहां पे पॉज करें, इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ें, फिर आगे चलते हैं। सो अब आते हैं फिजिकल मेथड्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर पे। फिजिकल मेथड्स फॉर सेपरेटिंग मिक्सचर, इसमें चीजें हैं, अ मिक्सचर कैन कंटेन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड आर गैसेस। एक मिक्सचर के अंदर सॉलिड, लिक्विड या गैसेस हो सकती हैं। द कॉम्पोनेंट्स इन अ मिक्सचर आर नॉट केमिकली ज्वाइंड, जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के अंदर वो केमिकली तौर पर मिले नहीं होते, दे आर जस्ट मिक्सड, वो सिर्फ मिले होते हैं, केमिकली तौर पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं होते। दैट मीन्स वी डू नॉट नीड टू यूज केमिकल रिएक्शन टू सेपरेट देम, इसका मतलब यह है कि हमें उनको अलग करने के लिए केमिकल रिएक्शन की जरूरत नहीं है, हम फिजिकल मेथड्स के जरिए से भी उनको अलग कर सकते हैं, और वो फिजिकल मेथड्स कुछ ये हैं, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ अ फिल्टर पेपर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस को एक लिक्विड से अलग करते हैं जो कि मिले हुए नहीं होते उसमें। उसके लिए हम एक फिल्टर पेपर यूज करते हैं, बिल्कुल जैसे हम चाय अपनी एक छननी के जरिए से चाय को जो है वो छानते हैं और हमारी पत्ती यहां पर रह जाती है, बिल्कुल वही फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। अब आते हैं क्रिस्टलाइजेशन पे। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू ऑब्टेन क्रिस्टल। इट इज यूज टू गेट बैक द सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम अ सॉल्यूशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि एक सॉल्यूशन को, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसके अंदर ज्यादा चीजें और ना मिलाई जा सके। मिसाल के तौर पे पानी है, पानी के अंदर हमने नमक मिलाया और मिलाते गए, अभी पानी क्लियर हो गया, थोड़ा सा और नमक मिलाया, फिर पानी दोबारा क्लियर हो गया, इतना नमक उसके अंदर मिला दें कि इससे ज्यादा अब नमक ना मिल सके तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम क्या करते हैं क्रिस्टलाइजेशन के अंदर कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म कर देते हैं, गर्म करना शुरू करते हैं, और इतना गर्म करते हैं, गर्म कर करके उसको आखिर में ठंडा कर देते हैं। तो जैसे उसको ठंडा करते हैं तो जो सॉल्ट होता है वो वापस हमें मिल जाता है क्रिस्टल्स की सूरत में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अब आते हैं डिस्टिलेशन पे। डिस्टिलेशन इज द सेपरेशन ऑफ वन सब्सटेंस फ्रॉम एनदर बाय एवोपरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। इसको तस्वीर की मदद से समझते हैं, बट दिस मेथड इज यूज टू प्योरीफाई सी वाटर एंड टू सेपरेट लिक्विड्स दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। मिसाल के तौर पे ये एक ये प्रोसेस है जिसके अंदर डिस्टिलेशन का प्रोसेस हो रहा है। यहां पे एक फ्लॉस्क सी चीज है जिसको हम डिस्टिलेशन फ्लॉस्क कहते हैं। इसके अंदर सी वाटर है यानी कि सॉल्ट वाटर, इसको वार्म किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है इसको, उससे क्या होगा कि पानी जो है वो वेपर्स की सूरत में ऊपर जाना शुरू हो जाएगा वेपर्स बनके, और इस रास्ते से यहां आ जाएगा। जैसे यहां पर आएगा, यहां पर लगा हुआ है एक कंडेंसर, और कंडेंसर का काम यह है कि जो यहां से वार्म होके पानी आ रहा है यानी कि वेपर्स की सूरत में पानी आ रहा है उसको ठंडा कर दे, दोबारा पानी की सूरत में कन्वर्ट कर दे, और वो पानी जो है वो यहां पर जमा होता रहता है। सॉल्ट यहीं पर रह गया क्योंकि सॉल्ट एवोपरेट नहीं होता, सिर्फ पानी एवोपरेट होता है, और जैसे पानी एवोपरेट होगा
तो उसको दोबारा से ठंडा करके यहां पे जमा कर लिया जाएगा। इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। फिर आते हैं सब्लिमेशन पे। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड फेज टू द गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू एन इंटरमीडिएट लिक्विड फेज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक सॉलिड को डायरेक्टली लिक्विड गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड फेज नहीं आता बीच में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सब्लिमेशन ना हो, सब्लिमेशन का प्रोसेस ना करें, तो मैं मिसाल दे रहा हूं आइस की। आइस पहले कन्वर्ट होती है लिक्विड के अंदर यानी कि पानी के अंदर, उसके बाद अगर हम उसको गर्म करें तो वो एवोपरेट होती है यानी कि गैस की सूरत में कन्वर्ट होती है। लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक तरफ तो सॉलिड होगा, दूसरी तरफ डायरेक्ट उससे गैस बनेगी, बीच में कोई भी लिक्विड स्टेट नहीं आएगा। When we heat a mixture with a solid sublime material such as iodine, एक sublime material है यानी कि sublimation उससे होती है, camphor या फिर dry ice। अगर इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज के साथ एक मिक्सचर को मिला के उसको हीट दें तो डायरेक्टली सब्लिमेशन होगी यानी कि वो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा गैस के अंदर, बीच में कोई भी लिक्विड फेज नहीं आएगा। अब आते हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग कलर्ड सब्सटेंसेस इनटू इंडिविजुअल पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जो हैं, वो हैं रोगन को कहते हैं हम। एक जो कलर है वो बहुत सारे पिगमेंट्स से मिलकर बना होता है, यानी कि ब्लैक कलर है तो उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होंगे, बहुत सारे पिगमेंट्स मिलकर एक कलर बनता है। एग्जाम्पल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी के बारे में पहले बताऊं आपको। इसके अंदर क्या होता है कि एक कलर जो है उसको उसके पिगमेंट्स के अंदर हम सेपरेट करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे एक ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर किन किन कलर से मिलकर बना है वो हमें क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस से पता चलेगा। जैसे मैंने एक वीडियो यहां पर लगाई है, आप देखें यहां पर एक पेपर है, उसके ऊपर एक ब्लैक मार्कर के जरिए से निशान लगाया गया है और इसको होल्ड किया गया है किसी भी चीज के जरिए से ताकि ये नीचे ना गिरे। नीचे इस ग्लास के अंदर कुछ पानी है जो पानी एब्जर्ब होता रहेगा इस पेपर के जरिए से, और वो कुछ इस तरह से क्रोमेटोग्राफी का जो है अमल इस तरह से कुछ होगा। मैं वीडियो प्ले करता हूं, आप देख लें। तो यहां पर आप देखें कि एक ये, क्योंकि वीडियो बहुत तेज 16 टाइम्स जो है वो तेज की हुई है इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा है, वैसे इतनी जल्दी नहीं होता। तो ब्लैक लाइन थी, जैसे ही पानी ऑब्जर्व करना शुरू किया तो पानी ने क्या किया, उस ब्लैक लाइन के अंदर जितने भी पिगमेंट्स थे उनको अलग करना शुरू कर दिया, उनको पुश करना शुरू कर दिया, रन करवाना शुरू कर दिया। तो ये सारे के सारे जो कलर्स हैं वो अलग होना शुरू हो जाएंगे, और कुछ जो पिगमेंट्स हैं वो यहीं पर रुक जाएंगे, कुछ यहां तक जाएंगे, कुछ यहां तक जाएंगे, और उन्हीं से उनके कलर का पता चल जाएगा। जैसे ये कलर यहीं पर रुक गया, दूसरा कलर यहां तक गया, तीसरा कलर यहां तक गया, एंड सो ऑन। ये था क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद आते हैं सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन पे। अ सॉल्वेंट इज अ डिसॉल्विंग मीडियम, जैसे मिसाल के तौर पे वाटर एटसेट्रा। ये एक ऐसी चीज है, ऐसा मीडियम है जो कि दूसरी चीजों को अपने अंदर हल कर लेता है। अ सॉल्यूट इज अ सॉल्यूट, ये स्पेलिंग गलत है, SOLUTE। अ सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज बींग डिसॉल्व। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि खुद हल होता है, जैसे मिसाल के तौर पे शुगर या सॉल्ट। और सॉल्यूशन क्या है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इनटू अ सॉल्वेंट। ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो सॉल्यूट है यानी कि शुगर या सॉल्ट, ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो जो सॉल्यूशन, जो मिक्सचर बनेगा, मिलेगा हमें, उस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।